दोस्तों, तो आज है मेरे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट का दिन और आज एकदम डरावना दिन है। और इसी दिन मम्मी और पापा दोनों जन जा रहे हैं इस बार। वैसे तो मम्मी ही जाती थी मुझे मेरा रिजल्ट लाने, पर आज फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है इसीलिए पापा जाएंगे। और अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पापा वहीं पे मारना स्टार्ट कर देंगे। अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर ही खड़ा रहूंगा। इसका नंबर खाली देखना मुझे, नहीं मैं तो बस यही दुआ है कि मेरा रिजल्ट अच्छे से आ जाए। और ये जो हमारे नवाब साहब हैं, ये अभी सो रहे हैं कि उठ रहे हैं पता नहीं, लेटे हुए हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट तो दोपहर में आएगा, तो इनकी दोपहर में कुटाई होगी। चल सुबह सुबह उठना भी पड़ा, चलो फिर जल्दी जल्दी। अभी हम नीचे आ चुके हैं और अभी बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, तो बारिश का भी पूरा पानी गाड़ी पे है। तो पापा हमेशा करके गाड़ी साफ करते हैं, अभी गाड़ी की सर्विस भी कराना है। तो अभी हम आ चुके हैं स्कूल और मैं और मम्मी जाएंगे अंदर, पापा अंदर नहीं जा रहे हैं। अंदर नहीं जाना, कहीं नंबर खराब आया अंदर ही मानने लगूंगा तो बहुत बेकार। नहीं पापा, तुम बाहर ही बैठो, मैं बाहर वेट करूंगा। हम लोग जा करके आते हैं। पापा यहाँ पे चाय पी रहे और हम लोग रिजल्ट लेकर आ गए। देखो लगा लूं? हाँ लगाओ। चश्मा लगा के दिखेगा। देखो पापा ये वाला है। कोई बात नहीं, फास्ट हो गई है। तो स्टूडेंट ने बोली बहुत अच्छा समय लिख के आ रही हूँ, बहुत अच्छा लिख के आ रही हूँ, तो अच्छा ही तो लिखा था। तो फिर इतना कम नंबर? तो गाइज मैं पास हो गई हूँ पर नंबर इतना अच्छा नहीं आया, इसी वजह से पापा थोड़े सैड हो गए। पर पापा मुझसे नाराज़ नहीं हुए हैं और पापा ने बोला नंबर कोई मायने रखता नहीं है, तुम पास हो गए वही बहुत बड़ी बात है। और पापा ने बोला पढ़ाई से ज़्यादा कढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पापा इतने पढ़े नहीं हैं पर पापा हमारे कड़े हैं, वही सब कुछ करते हैं, आप देखते होगे वही वीडियो एडिटिंग करते हैं, उन्होंने सब कुछ आता है उनको। तो इसीलिए पापा ने बोला कि चलो अगली बार और मेहनत करना। पब्लिक क्या बोलेगी, सोचेगी कि वीडियो के चक्कर में लोग पढ़ाई कम करते हैं, नंबर कम आएंगे, यही पब्लिक सोचेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो अलग टाइम पे बनता है, वीडियो का मैटर सब अलग है। एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई का मैटर अलग है, और एग्जाम के टाइम पे हम मैंने इतना वीडियो वगैरह बनवाया नहीं है, क्योंकि बच्चों का दिमाग और मेहनत से होता है। तो कोई बात नहीं, नंबर कम आया कुछ नहीं, पास हो गए, बस पास होना बहुत जरूरी है। और मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अभी भी लोग मेरे आगे सब फेल है। और आप लोग को मैं अपनी पढ़ाई की हिस्ट्री बताऊँ, आप लोग साझा करोगे, बता दो क्या? बता दो, बता दो। मैं पढ़ा हूँ सिर्फ 7th क्लास तक, लेकिन फर्स्ट से लेके 4th तक, मतलब 4th तक सिर्फ मैं उर्दू क्लास पढ़ा हूँ। मैं क्योंकि उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ता था, आरसी माहिम स्कूल का नाम है, माहिम में है स्कूल, तो वो उर्दू मीडियम स्कूल था मुंसीपाली। तो फर्स्ट से लेके 4th तक सिर्फ उर्दू पढ़ाया गया, मतलब जो भी पढ़ाया उर्दू, उसमें ना तो मराठी, ना इंग्लिश, ना हिंदी। 5वीं, 6वीं और 7वीं से 3 साल मैंने हिंदी, इंग्लिश और मराठी पढ़ी है, लेकिन आज भी ये 8वीं पढ़ चुकी हैं, या 10वीं और 12वीं पढ़े बच्चे मेरे आगे अभी आज भी फेल हैं। तो पढ़ाई कुछ नहीं, दिमाग और कढ़ाई से होता है। तो अभी ऑफिसर में चेहरा ख़राब हो गया, इससे आप सोचे मत कि मतलब मेरे पास दिमाग कम है, चेहरा ख़राब है, तो माशाल्लाह दिमाग अल्लाह ने बहुत दिया है, तो चला लेता हूँ थोड़ा दिमाग चला के। उसकी मम्मी हंस रही है, बोलिए अपने वो सबकी तारीफ करें, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इन लोग को भी वही बोलता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ दिमाग भी जरूरी है। हाँ, इसलिए इन लोग को बोल रहा हूँ कि पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ो, लेकिन दिमाग नॉलेज ज़्यादा लो दुनिया में, क्या कैसे होता है उसके बारे में सीखो, सब कुछ तो खुद ही आ जाएगा। 3 साल पढ़ाओ आप लोग सोच लो, लेकिन जो भी बोलो आपको पढ़ लूँगा, कर लूँगा, सब कर लेता हूँ मैं। 3 साल पर 5वीं, मतलब 5th, 6th और 7th, क्योंकि मेरा स्कूल उर्दू मीडियम था उस टाइम पे, मेरे ज़माने में वाइडी से मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी नहीं पढ़ाते, अब शायद पढ़ाने लगे ना। हाँ। अब वो स्कूल में पढ़ाने लगे पहले से, लेकिन उस टाइम नहीं पढ़ाते थे, उस टाइम से उर्दू पढ़ाते थे 4 क्लास तक, 5वीं, 6वीं, 7वीं से। उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था किसी वजह से, वो हिस्ट्री बहुत लंबी को बताऊँ किसी और वीडियो में, क्योंकि बता सकते हैं नहीं, लेकिन स्कूल छोड़ा क्या हुआ सब बाद में कभी बताऊंगा। इसलिए इनको भी समझाता हूँ, इनको भी समझाता हूँ कि सीखो दुनिया में, पढ़ते दो, पढ़ो ठीक है, नंबर कुछ भी लाओ, पास हो जाओ, लेकिन सीखो दुनिया में हर चीज़, नॉलेज लो हर चीज़ का, इसलिए कोई बात नहीं है। अब मार्क्स तो कितना परसेंट लाई आपको बताऊंगा नहीं मैं, तो ठीक है, जो भी लाई अच्छा लाई है। अब ले, अब ये जाएगी 9th में, और ये भाई साहब का भी दोपहर में रिजल्ट मिलेगा, इनका नंबर देखते क्या लाए हैं,
पास से भी हो ही जाएंगे। और हमें 9th स्टैंडर्ड का फॉर्म भी मिला है। फॉर्म भी मिल गया, कितना पैसा भरना है अभी से पूरा लिस्ट मिल गया है, इतना इतना फॉर्म पैसा जमा करो, अभी से चालू होएगा जून में। चलो इसका इंतजाम करते हैं भरने का, ठीक है? तो अब दोबारे मिलते हैं इनके रिजल्ट के टाइम पे, ठीक है? मजा आएगा अब इनका देखेंगे। इसको बोलता हूँ थोड़ा नंबर अपना बढ़ाना ये साल 9th में, और सब कुछ नॉलेज लो, सीखो। अभी मैं जब तक हूँ सब सिखा दूंगा, फटाफट सीखो बेटा, आगे फिर अल्लाह मालिक है। तो अभी सादिम रेडी हो रहा है, एक बज चुके हैं, दोपहर हो चुकी है, और अब सादिम जाएगा। सादिम के रिजल्ट का टाइम हो रहा है, और सादिम के साथ मम्मी पापा जा रहे हैं। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं घर पे बैठ करके काम करूंगी, कोई नहीं, दादी के साथ भी तो कोई रहना चाहिए। सादिम आपको कैसे लग रहा है? लग रहा है आपको तो अच्छा लग रहा है, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हम स्कूल के लिए निकल चुके हैं। मैं एकदम आगे बैठा हूँ, पापा गाड़ी चला रहे हैं, और हमारी मम्मी देखो एकदम पीछे। तो अभी ये दोनों फिर मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मालिक टाइम के अंदर नहीं गया, रिटर्न में अंदर नहीं जाऊँगा। तो अंदर जाएंगे, मैं बाहर वेट करूँगा, ठीक है? ये लोग आ रहे हैं रिजल्ट लेके। पास हुए ना? अच्छा नंबर लाए? हाँ सही, चलेगा पास हो गए ना बस। हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो टीचर ने क्या बोला? टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर अच्छे से दिया है, फोर्थ तो या फिफ्थ में जाएंगे तो जैसे सीनियर जूनियर में हम लोग ए पढ़ते हैं, भाई बी पढ़ते हैं। टीचर ने इन्हें बहुत अच्छे से लेक्चर दिया है, समझाया है कि तुम वीडियोस बनाते हो ये सब बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इतने छोटी उम्र में इतना फेमस होना तो मेरे बस की भी बात नहीं है, पर उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दो। बोला टीचर ने? हाँ। और तुम पढ़ाई पे ध्यान इसलिए दो क्योंकि आगे फ्यूचर में कहीं भी पढ़ाई किसी भी लाइन में वक्त में काम आती है। तो टीचर ने बोला है कि पढ़ाई पे उससे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। हाँ, वीडियोस कर रहे हो, वायरल हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी देखती हूँ, मेरे घर में सब देखते हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। छोटी उम्र में इतने फेमस होना बहुत लोगों के लिए अनपॉसिबल है। तो टीचर ने बहुत अच्छे से, मतलब इन्हें अकेले बैठ के इनको अच्छे से समझाया है कि अच्छे से आगे क्लास आगे फिफ्थ में जाएंगे तो फिर मतलब कैसे प्रोग्रेस आगे क्योंकि क्लास बढ़ते जाएंगे पढ़ाई हार्ड होती जाएगी, उस हिसाब से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान। टीचर ने बोला है कि मतलब ज्यादा मतलब जोर भी नहीं देना है पढ़ाई का, मतलब एकदम बच्चों पे ज्यादा मैं जोर नहीं देता हूँ। ये बोला कि मतलब तुम जितने बार भी एग्जाम देते हो तो वही बात बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाई करो, उस चीज को समझो। पढ़ाई मतलब टीचर ने बोला रट्टा मार के मत पढ़ो, फील करो, दिमाग और दिल में बिठा दो कोई भी चीज। मिस ने ये बोला मतलब कि तुम जितनी बार भी एग्जाम देते हो ना तो 70 या फिर 80 मार्क्स के मतलब अंदर वैसा करते रहते हो परसेंट, तो इम्प्रूव करो और ज्यादा और परसेंट। टीचर ने बोला है कि जो भी तुम्हारे पास बुक पढ़ी हुई है पहले की इंग्लिश स्टोरी बुक या कोई भी बुक है उसको लेकर रीडिंग करते रहो, एक दो देखो कहाँ मार्क आ रहा है, कहाँ पर ठहराव आ रहा है, मतलब ऐसे समझो उसको, ज्यादा से ज्यादा उसको समझो। तुम्हारी टीचर तो मस्त अच्छी है यार। मिस ने बोला मुझे बोर्ड पे मतलब नाम चाहिए, ब्लैक बोर्ड होता है ना उस पर। टीचर ने बोला मतलब स्कूल में कैसा है, जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक आता है नंबर जिसका, उसका ब्लैक बोर्ड में नाम आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो वो टीचर बोले इसको कि ब्लैक बोर्ड पे तुम्हारा भी नाम चाहिए, बोला ना। इन लोगों को ब्लैक बोर्ड में नाम कभी आया नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो टेंशन लेता नहीं इसका, बस पास होना चाहिए बस। टीचर ने बोला है तो अगले साल कोशिश करो ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लाओ। ओके चलो, मिलते सालिम का नंबर तो मैंने अभी तक देखा नहीं, वहाँ इतना भाषण करके आ गया सालिम का, लेकिन नंबर नहीं देखा, मार्क्स लाओ देखता हूँ। पास हो चुके हैं और हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है, सादिम भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और पापा तो सबसे ज्यादा खुश है। और हमारी दादी भी हमारे लिए बहुत दुआ कर रही थी एग्जाम के टाइम पे, बहुत दुआ कर रही थी हमारे लिए,
तो अभी हम तो मैं जाऊंगी अभी 9th स्टैंडर्ड में और सादिम जाएगा 4th स्टैंडर्ड में। तो आप लोग भी दुआ करो कि मेरा 9th में रिजल्ट और अच्छा है और सादिम का भी 4th में रिजल्ट और अच्छा है। और हमारा रिजल्ट हम एग्जैक्ट तो बताएंगे नहीं कितना नंबर है, पता नहीं मतलब मार्क्स बताना सही अच्छा या नहीं, पर जितना आपको बता दूं इनका मार्क्स जो है वो 60 से लेके 100 के बीच में आया है, तो मार्क्स अच्छा ही आया है, वो पास हो गए। सब लोग तो खुश है, तो उसके अलावा क्या चाहिए, बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं डालने का, बस अच्छे से पढ़े दिमाग अच्छा चलाए बस, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बेल आइकन की घंटी भी दबा देना। थैंक